मध्य प्रदेश हज कमेटी द्वारा रविवार को हज पर जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। हज कमेटी के कोऑर्डिनेटर ने इस दौरान हज पर जाने वाले जायरीनों को वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी द्वारा इस बार प्रदेश से 2700 हज यात्रियों को पवित्र मक्का मदीना की यात्रा पर भेजा जा रहा है। हज यात्रियों को हज पर जाते समय किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, इसे लेकर कमेटी के सदस्यों द्वारा इंदौर में एक ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में करीब 700 से 800 यात्रियों ने भाग लिया। इंदौर में भी तरबियत हुई है। हमारी कोशिश ये है कि हमारे मध्य प्रदेश का हाजी इतना ट्रेन हो जाए कि उसको सफ़र में हवाई जहाज का जो सफ़र होता है, कई हाजी ऐसे हमारे जो पहली बार हवाई जहाज में बैठते हैं, वो सफ़र क्या है कि हवाई जहाज में जो है वेस्टर्न टॉयलेट होता है, तो हमारे हाजी साहिबन कुछ जमता नहीं। हमारे जो पूरे स्टेट के कोऑर्डिनेटर हमने सदूर भेजे हैं पूरे प्रदेश में, डॉक्टर इकबाल साहब जो मेरे साथ हैं वो जा रहे हैं, इसी बात के लिए तरबियत सदूर दे रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश के हाजियों का सफ़र हज आसान हो जाए। इस बार हज पर जाने वाले यात्रियों को लेकर प्रदेश के अलग अलग जिलों में कमेटी के सदस्य ट्रेनिंग कैंप आयोजित कर रहे हैं। कमेटी की कोशिश है कि किसी भी हज यात्री को हज के दौरान कोई परेशानी ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, डी लाइव न्यूज़।